नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएस व्लॉग्स में। और पहले तो आप ये हेलमेट देख रहे होंगे, मेरा स्टील बड का नया हेलमेट जिसे मैंने अभी अभी जस्ट परचेस किया हुआ है। तो एक्चुअली मैं इस वजह से मैं इस व्लॉग में इसे लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि आप ये देखो, जे माउंट, ये बहुत दिन से पेंडिंग था। एक्चुअली मेरा जो इसके पहले वाला हेलमेट था वो हिलता बहुत ही ज़्यादा था, तो इसी वजह से मैंने अब इसे परचेस कर लिया है। तो मैंने इसे जे माउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया है। शुक्रिया बीएस व्लॉग्स, मेरे फ्रेंड हैं बहुत ही अच्छे, आप लोग भी उसे जाओ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो बीएस व्लॉग्स को। आइए हम लोग मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे है, छुपा के रखा हुआ था मैंने। और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने सोनी का PS4 खरीदा। तो बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेस नहीं किया, तो मैं आपको डिस्काउंट ऑनलाइन आप जाओगे तो मिल भी जाएगा प्रोडक्ट। तो दोस्तों एक्चुअली में मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस नहीं किया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अराउंड 26,000 या 25,000 के आसपास ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे सोनी के जेन्युइन स्टोर से ख़रीदा हुआ है और मुझे अराउंड 28,500 रुपीस का पड़ा ये। तो दोस्तों इसमें जो जो प्रोडक्ट रहेगा वो मैं आपको अभी जस्ट इसे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या मिला हुआ है। आइए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। इस हेलमेट को साइड में रख दूँ मैं, बहुत ही मुश्किल से मैं बता दूँ दोस्तों कि ये मैंने जे माउंट माउंट किया है। मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने माउंट किया है, अब मोटो व्लॉगिंग मेरी चालू हो सकती है। खैर उसे साइड में रखते हैं। और अंदर में हमें दोस्तों मिलता है वाइट कलर का डब्बा। और एक्चुअली में ये जो मेरा PS4 है, ये दो वेरिएंट आते हैं, एक 1 TB आता है, एक 500 GB आता है। तो मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे 500 GB वाला वेरिएंट है। एक साल की सोनी की तरफ से वारंटी मुझे इसमें मिली हुई है। तो इस डब्बे को आप कर देते हैं साइड में क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब जो है इसमें है इस वाइट से ब्यूटिफुल से बॉक्स में सोनी का जो बिल्ट क्वालिटी है, मानना पड़ेगा उसे, क्या पैकिंग करता है, क्या बिल्ट क्वालिटी देता है। मतलब मेरे पास था पहले एक सोनी PS2 था मेरे पास इससे पहले, उसका भी बिल्ड क्वालिटी, उसकी भी ग्राफिक्स जिस समय वो लॉन्च हुआ था एक नंबर पे थी। और आज PS4 है, PS4 लगातार सभी गेमिंग कंसोल को हराते हुए आ रहा है और आज सबसे ऊपर है। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ मिल जाता है, ये USB केबल, HDMI पोर्ट, पावर केबल आप देख सकते हो, और रिमोट कंट्रोल। बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा हैवी है, हल्का सा। आइए पास से मैं आपको दिखाता हूँ इस रिमोट में क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये है PS4 का रिमोट। हमें, जी हाँ, हमें एक्चुअली में एक ही रिमोट मिलता है इसके साथ में। मैंने अभी बॉक्स में देखा तो उसमें खैर कुछ था नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा। इस रिमोट की डिटेल के बाद मैं मेन प्रोडक्ट निकालूंगा। तो फ़िलहाल आप इस पर देख लो, ये सारे बटन्स दिए हुए हैं और L1, L2, R1, R2 दिया हुआ है। ये आप इसे यहाँ से चार्ज कर सकते हो, जी हाँ ये वायरलेस है तो आप इसे चार्ज कर सकते हो। ये रहा पावर बटन, ये देखो ऑन हो गया, ये PS4 को खोजने लग गया, उसके साथ फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। ये टच बार है, इसे आप ऐसे ऐसे चला भी सकते हो स्क्रीन पे और यूं दबा भी सकते हो अगर किसी चीज़ का ऑप्शन आता है तो। ये ऑप्शन बटन है, ये शेयर बटन है, आप इसे ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हो, वीडियो बना करके या फिर
कि वो ये ऑनलाइन आप गेम खेल सकते हो, तो उसका आप फुटेज शेयर कर सकते हो। कह सकता हूँ दोस्तों, मतलब बिल्ड क्वालिटी जो इसके प्लास्टिक की है, अमेजिंग। सोनी मतलब पैसे लिए हैं यार, तो बिल्ड क्वालिटी दिया है सोनी ने। से कि किसी को डिस्टरबेंस हो रही है तो आप बेसिकली यहाँ से हेडफोन लगाओ, ऑप्शन में जा करके आप हेडफोन से आवाज़ सुन सकते हो। और यहाँ खुद का एक स्पीकर दिया हुआ, आप इससे भी आवाज़ सुन करके खेल सकते हो गेम। मतलब कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। मतलब सोनी ने, सोचिए दोस्तों, कहाँ से कहाँ प्रोडक्ट कितना दिमाग लगाया इसमें, कि मतलब गेमर को डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप बस खेलते जाओ और कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। खैर, हम लोग इसको करते हैं साइड में। ये है दोस्तों हमारा मेन प्रोडक्ट, जो कि बस रिवील हो गया है। गाइडलाइंस कैसे कैसे क्या चीज़ आपको करना है या खेलना है। मैं आपको तीन गेम फ्री में मिलते हैं, एक हॉरिजॉन, एक अनचार्टेड 4, और दोस्तों हमें मिलता है एक मेंबरशिप कार्ड। खैर, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा PS4। ये रहा इसका रिमोट, ये रहा इसका पावर बटन, ये रहा इजेक्ट बटन, जिससे यहाँ पे जो CD गेम की पड़ती है वो निकल जाती है। ये हमें मिल जाता है एक USB पोर्ट, एक और हमें USB पोर्ट यहाँ मिल जाता है। तो ये पूरा एयर वेंटिलेटर है। यहाँ से जब ये गर्म होता होगा, जैसे हमारे लैपटॉप में दिया रहता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम, तो ये पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये रहा पावर, ये रहा HDMI पोर्ट, LAN पोर्ट। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ डॉल्बी डिजिटल है, ब्लूरे है, HDMI है, सब कुछ यहाँ पे ब्रांड पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका ग्राफिक्स जो है कैसा है, और मैंने जितनी तारीफ़ की है इस प्रोडक्ट की, वो तारीफ़ के लायक है कि नहीं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम तो लोग देखते हैं इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन से। तो दोस्तों आप ग्राफिक्स देखिए इसकी कि कैसी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा कि इसकी जो ग्राफिक्स है वो कितने अपर ग्रेड, अपर लेवल की ग्राफिक्स है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मोटो व्लॉगिंग जल्दी ही आएगी। तो मिलते हैं आपसे। राजन सिंह साइनिंग ऑफ।